जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अमित भूषण, मेरे YouTube चैनल श्री अक्षय ज्योतिष दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको मैं आज बताने वाला हूँ होलाष्टक के बारे में। आपने सुना होगा कि होली से 8 दिन पहले सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, तो ये क्या कारण है कि होलाष्टक क्यों लगते हैं, होलाष्टक में सभी मांगलिक कार्य वर्जित क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मित्रों, आप मेरा चैनल देख रहे हैं और पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे भी मैं अच्छी अच्छी जानकारियां आपको देता रहूंगा। सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और वो वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मित्रों, आज बात करते हैं होलाष्टक की। ये जो 8 दिनों के दौरान किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? आप सब जानते हैं कि भारतीय मुहूर्त विज्ञान व ज्योतिष शास्त्र प्रत्येक कार्य के लिए शुभ मुहूर्तों का शोधन कर और उसे करने की अनुमति देता है। हमारे जो शास्त्र है वो प्रत्येक कार्य के लिए शुभ मुहूर्त देते हैं कि इसी मुहूर्त के अंदर ये कार्य होना चाहिए। कोई भी कार्य यदि शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो वह उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। इस धर्म धुरी से भारतीय भूमि में प्रत्येक कार्य को शुभ समय में किया जाता है, अर्थात ऐसा समय जो उस कार्य की पूर्णता के लिए उपयुक्त हो। इस प्रकार प्रत्येक कार्य की दृष्टि से उसके शुभ समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे अपने जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत हर कार्य मुहूर्त से किया जाता है। जब मृत्यु होती है तो दाह क्रिया की जाती है, तो उसमें भी देखा जाता है कि कहीं पंचक तो नहीं है। तो गर्भाधान, विवाह, पुंस वन, नामकरण, चूड़ाकरण, विद्यारंभ, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, गृह शांति, हवन यज्ञ, स्नान, तेल मर्दन, जो भी कार्य है उसके लिए उपयुक्त मुहूर्त देखा जाता है। इस प्रकार होलाष्टक को ज्योतिष की दृष्टि से होलाष्टक दोष माना जाता है, जिसमें विवाह, गर्भाधान, गृह प्रवेश, गृह निर्माण आदि जो शुभ कार्य है वो सभी वर्जित बताए गए हैं शास्त्रों में। तो मित्रों, अभी 2019 में होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रही है मैं आपको बता रहा हूं। 2019 में 14 मार्च गुरुवार को होलाष्टक प्रारंभ होंगे और ये 21 मार्च गुरुवार तक रहेंगे। जो 8 दिन का जो समय है, इन 8 दिनों का ये होलाष्टक दोष रहेगा जिसमें सभी शुभ कार्य वर्जित हैं। इन होलाष्टक के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय में विशेष रूप से विवाह, नए निर्माण, नए कार्यों को आरंभ नहीं करना चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कथन है। अर्थात इन दिनों में किए गए कार्यों से कष्ट, अनेक प्रकार की पीड़ा तथा विवाह आदि संबंध विच्छेद होने का या घर के अंदर कलह का शिकार हो जाते हैं, या फिर अकाल मृत्यु होना, बीमारी होना, ये आशंका बढ़ जाती है। तो इस समय में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। होलाष्टक से तात्पर्य है कि होली के 8 दिन पूर्व से ही, अर्थात दुलंडी से 8 दिन पहले होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है। इन दिनों शुभ कार्य करने की मनाही होती है। हिंदू धर्म के अंदर 16 संस्कारों को इस समय में नहीं करना चाहिए। अब मैं बताता हूं कि होलाष्टक वर्जित क्यों है। माघ की जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा से होली की तैयारियां शुरू हो जाती है। होलाष्टक जब आरंभ होते हैं तो होलाष्टक जिस दिन लगते हैं उसी दिन डंडों की स्थापना की जाती है। इसमें एक डंडा होली का प्रतीक होता है, दूसरा प्रह्लाद से संबंधित होता है। ऐसा माना जाता है कि होलिका से पूर्व 8 दिन यानी 8 दिन पहले होलिका की दाह क्रिया
करने की तैयारी शुरू की जाती है। यह मृत्यु का सूचक है। इस दुख के कारण होली के पूर्व 8 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। जब प्रह्लाद बच जाता है, यानी होली का दहन करते हैं तो प्रह्लाद बच जाता है, उसी खुशी के अंदर हम दूसरे दिन गुलाल रंगों के द्वारा होली का त्योहार मनाते हैं। यही इसके पीछे रीजन है। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के अपराध में कामदेव को शिव जी ने फाल्गुन की अष्टमी में भस्म कर दिया था। यानी फाल्गुन शुक्ला जो अष्टमी है, उस दिन अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को भस्म किया था भगवान शंकर ने। फिर क्या हुआ, कामदेव की जो पत्नी है रति, उसने तपस्या की और क्षमा याचना की और शिव जी ने कामदेव को पुनः जीवित करने का आश्वासन दिया उसे, रति को। तो इसी खुशी में ये होली का त्योहार मनाया जाता है, रंगों का त्योहार मनाया जाता है। आप सब भी ये त्योहार बड़ी खुशी के साथ मनाएं, धूमधाम से मनाएं, शांति के साथ मनाएं, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा न हो, बिल्कुल शांतिपूर्वक इस त्योहार को मनाएं। आपको भी अग्रिम होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में होली का दहन का समय लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।